प्रस्तुत है मेरी एक लोकप्रिय कहानी ब्रेकअप के बाद। हवा तेज थी या मेरी बाइक, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना होता है, हवा से बाइक उड़ने लगती है और ऐसे में पास से कोई बड़ा वाहन निकले और बाइक की स्पीड कम न हो तो दुर्घटना हो भी सकती है। बड़े वाहन के नीचे बाइक घुस भी सकती है, लेकिन बाइक के पीछे बैठी सवारी कहे क्या यार तेज चलाओ ना, तो विवेक खो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, फिर भी दुर्घटना नहीं हुई। हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, जैसा कि सबके साथ होता है, प्रेम, तकरार, झगड़ा, मजाक, सब कुछ होता था। साथ रहते रहते 4 माह हो गए थे। वह अपने जॉब पर जाती थी, मैं अपने, शाम को साथ होता, घर में काम करते या होटल में खाना खाते, कहीं लंबी यात्रा में जाते और तो वह वाहन तेज चलाने का आग्रह करती। एक दिन अज्ञात फोन आया, मैंने विश्वास नहीं किया। उससे सच झूठ का पूछने का तो सवाल ही नहीं था, पर शक का कीड़ा तो घुस ही गया था। एक दिन दोपहर में वह सब्जी मंडी में दिख गई। हमें तो सब्जी की ज़रूरत नहीं, फिर क्यों? वह खरीद नहीं रही थी, बाइक के पास खड़ी थी, एक युवक खरीद रहा था। मैंने कहा चल रही है क्या? उसने इशारे से कहा इसके साथ हूँ। मैंने फिर कहा चल तुझसे बात करनी है। उसने युवक की तरफ देखा जो हमें नहीं देख रहा था, पर कान हमारी बात पर ही लगे थे। मैंने फिर कहा चल तुझसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा जो कहना है यही कह दो। मेरे फिर से आग्रह पर उसने युवक से पूछा जाऊं क्या? युवक ने गर्दन हिलाकर कहा हाँ। मैंने उसको बाइक पर बैठे बैठे ही समझाया हमारे रिश्तों के लिए, लंबे रिश्ते के लिए यह ठीक नहीं। मेरे साथ रहती हो तो दूसरा रिश्ता बनाना ठीक नहीं, विश्वास कायम रहना चाहिए। बहुत तरह की ऊंच नीच बताई, वह हाँ ना करती रही, कभी कुछ स्पष्टीकरण देती रही। जब हम अपने क्वार्टर पहुँचे, मैंने बाइक रोकी तो देखा वह युवक भी पीछे आकर रुक गया है। उसने सिर के इशारे से पूछा क्या हुआ? इसने भी इशारे से कहा कुछ नहीं। मेरा मन उदास था, उसे खोने का डर समा रहा था। मैं समझ गया था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया है। मैंने बाइक स्टार्ट की और दोस्त के यहाँ चला गया। 3-4 घंटे बाद वापस आया तो जैसी आशंका थी वही हुआ, वह अपना सामान अटैची लेकर चली गई थी। मेरा सिर दर्द करने लगा, नसें खींचने लगी, पुरानी बीमारी डिप्रेशन हावी हो गया था। उसका साथ था तो खुशी हंसी मजाक था, जिससे उदासी गायब थी, लेकिन अब वह नहीं थी। पूरी रात नींद आती जाती रहती, मन में ख्याल आते जाते रहे, क्या कमी थी मुझ में जो उसने मुझे छोड़ दिया, पर क्या अच्छाई थी दूसरे युवक में जो वह उसके साथ चली गई। रोजाना 8-9 बजे उठने वाला मैं 5 बजे सुबह ही उठ बैठने लगा, काम पर जाता, बार बार उंगलियां मोबाइल को छूती, उसे कॉल करूं, फिर उसके नंबर डिलीट कर दिए। लेकिन जीवन में कुछ भी डिलीट करना आसान नहीं। काश हमारा दिमाग भी ऐसा होता कि एक डिलीट और यादें गायब। दूसरे दिन व्हाट्सएप के एक ग्रुप में वापस उसका नंबर सेव किया। दिमागी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी, उदासी बढ़ी, वजन कम होने लगा, काम में मन नहीं लगता। सोशल साइट 2-4 मिनट चलाता पर कोई पोस्ट स्टेटस नहीं डालता, किताब लेकर पढ़ने बैठता या टीवी देखने लगता तो कुछ ही देर में उब जाता। प्रश्न यही बार बार उठता कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। रह रह कर उसकी बातें याद आती, वैसे हमारे बीच रूठना मनाना जैसी स्थिति कभी नहीं बनती थी।
अब लगता है कि एक तरफा था सब कुछ, मैं ही उसके साथ था, वो मेरे साथ नहीं थी। मनोचिकित्सक के पास गया, खून जांच हुई, प्रश्नोत्तर हुए, दिनचर्या पूछी गई, खाना अच्छा लगता है या नहीं, डाइट कम तो नहीं हो गई, पेट साफ हो जाता है या नहीं, जबड़ा दर्द करता है या नहीं, मूड कैसा रहता है, वजन कितना घटा आदि। 100 दिन की गोलियां दी गई, रात को एक प्रिगेलिन, सुबह सेटलिन। वह बाजार में दिख जाती है कभी कभी उस युवक के साथ, हंसती खिलखिलाती, मेरी तरफ देखती भी नहीं, और मैं अब भी यह माने बैठा हूँ कि वह फिर मेरे जीवन में आएगी। 1 महीना हो गया है ब्रेकअप का, लग रहा है युग गुजर गया।